गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ई बुक के पेज नंबर 79 में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस कैन बी ब्राउट अबाउट बाय हीटिंग और कूलिंग सर्टेन सब्सटेंसेस। ठीक है, चेंजेस जो हैं वो होते हैं कैसे, हीट करने में या फिर कूलिंग करने में सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस में हम चेंजेस ला सकते हैं उसे हीट करके या फिर उसे कूल करके। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे एंड उसे हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब ढाल सकते हैं अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में। दस ऑन हीटिंग मेटल्स एक्सपेंड एंड ऑन कूलिंग दे गो बैक टू दियर ओरिजिनल साइजेस। हीट करने पे मेटल्स एक्सपेंड होते हैं यानी फैल जाते हैं एंड कूल करने पे यानी ठंडा करने पर वो अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाते हैं। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट करने पर और ठंडा करने या फिर ठंडा करने पर उसकी हम उसमें हम चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब सब्सटेंसेस हैं उसको हीट करने पे और कोल्ड करने पे उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, मेटल्स जैसे आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं जब उन्हें हम हीट करते हैं और किसी भी शेप एंड मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज में फिर हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। हीट करने पे मेटल्स जो हैं वो फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं एंड ठंडा करने पर, कूल करने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में चले जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पूरी ये एक रिवर्सिबल चेंज होती है। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, एक्सपेंशन कब होता है, जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, डू यू नो एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंटरनल प्रेशर एसेट्रा। आपको पता है क्या, जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज होता है किसी भी बॉडी की डायमेंशंस में जब उसको रखा जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब उसकी जब बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया जाता है या फिर इंटरनल प्रेशर एसेट्रा, इन सब चीज़ों को इंक्रीज किया जाता है, तब उसकी डायमेंशंस में जो इंक्रीज होता है वो कहलाता है एक्सपेंशन। व्हेन एक्सपेंशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इट इज़ टर्म्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। और जब एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से जब एक्सपेंशन होता है तो उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन इज द अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्सपेंशन का अपोजिट होता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज टू फिक्स वुडन हैंडल्स इंटू आयरन ब्लेड्स। ये कॉन्सेप्ट है जो आपका वो यूटिलाइज किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज टू फिक्स वुडन हैंडल्स इंटू आयरन ब्लेड्स टू फॉर्म टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, वुडन फिक्स करने के लिए वुडन हैंडल्स को आयरन ब्लेड्स में। ठीक है, और क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि हम बना सके टूल्स, ऐसे टूल्स बना सके जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं डिग करने के लिए सॉइल को एंड अदर पर्पजेस के लिए। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ताकि हम आयरन ब्लेड्स में वुडन हैंडल्स को फिक्स कर सकें। ठीक है, और टूल्स बना सके और वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं डिग सॉइल को डिग करने में और अदर पर्पजेस के लिए भी। ठीक है, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन टू विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। जो ये आयरन ब्लेड होती हैं इन टूल्स की, वो उसमें एक रिंग होती है, ठीक है, जिसमें हमें वुडन हैंडल को फिक्स करना होता है। ठीक है, जिसमें वुडन हैंडल फिक्स की जाती है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन डायमीटर देन द वुडन हैंडल। जो रिंग होती है वो वुडन हैंडल से थोड़ी सी, उसका जो डायमीटर है थोड़ा छोटा होता है, मतलब जो वुडन हैंडल का डायमीटर होगा उससे थोड़ा स्मॉल डायमीटर होगा किसका, रिंग का। ठीक है, तो जो आयरन ब्लेड होती है इन टूल्स की, उसमें एक रिंग होती है, उस रिंग को हमें वुडन हैंडल में फिक्स करना होता है, और जो रिंग होती है उसका डायमीटर जो होता है वो वुडन हैंडल के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा होता है। वाइल फिक्सिंग द हैंडल द रिंग इज हीटेड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज दैट इज एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। जहाँ हम फिक्स करते हैं हैंडल को, ठीक है, तो जो रिंग है उसको रिंग जो है हीट की जाती है,
ठीक, जब हीट करते हैं रिंग को तो वो उसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, वो लार्ज हो जाती है साइज में, दैट इज एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, मतलब वहाँ पे एक्सपेंशन यानी फैलाव हो जाता है, ठीक है। फिर वुडन हैंडल जो है वो फिक्स किया जाता है रिंग में ईजली, द वुडन हैंडल इज नाउ फिक्स्ड ईजली इन द रिंग, जो वुडन हैंडल है रिंग में आसानी से फिक्स किया जाता है। ऑन कूलिंग द रिंग अटेन्स इट्स नॉर्मल साइज, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ऑन कूलिंग यानी ठंडा करने पर जो रिंग है वो वापस अपने नॉर्मल साइज की हो जाती है, मीन्स वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। द वुडन हैंडल फिट्स टाइटली इन द रिंग्स, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो जो वुडन हैंडल है वो उस रिंग में टाइटली फिट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है, जब हम फिक्स करते हैं हैंडल को तो रिंग जो है उसे हीट करते हैं, हीट करने पर रिंग का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है यानी एक्सपेंशन होता है वहाँ पे। फिर वुडन हैंडल जो है आसानी से उस रिंग में फिक्स किया जाता है, और ठंडा होने पर रिंग जो है वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है, मीन्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और वुडन हैंडल जो है वह मतलब उस रिंग में टाइटली फिक्स हो जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज वाइल फिक्सिंग अ मेटल रिंग ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, सेम कॉन्सेप्ट, जो ये सेम कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है या यूटिलाइज किया जाता है जब हम फिक्स करते हैं एक मेटल रिम को एक वुडन व्हील जो होता है कार्ड का, ठीक है। नॉर्मली जो साइज होती है मेटल रिम की इज स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ द वुडन व्हील, जो साइज होती है मेटल रिम की वो छोटी होती है वुडन व्हील से, ठीक है। ठीक, तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका यूज़ किया जाता है जब हम फिक्स करते हैं एक मेटल रिम को एक वुडन व्हील जो होता है कार्ड का उसके ऊपर, ठीक है, और जो साइज होती है मेटल रिम की वो वुडन व्हील से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। व्हाइल फिक्सिंग द मेटल रिम इट इज़ हीटेड, इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड नाउ इट कैन बी फिक्स्ड ऑन टू द वुडन व्हील, जब हम फिक्स करते हैं मेटल रिम को वो हीट की जाती है और वो जब हीट करने के बाद वो थोड़ी लार्ज हो जाती है, मतलब साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो आसानी से फिक्स्ड हो जाती है वुडन व्हील में। ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड टाइटली फिट हो जाती है ऑन व्हील में। आस्क योर मदर हाउ शी सेपरेट्स टू स्टील ग्लासेस दैट गेट फिक्स्ड टाइटली इन टू ईच अदर, अपनी मदर से आप पूछिए कि वो कैसे अलग करती हैं दो स्टील ग्लासेस को जब वो एक दूसरे में टाइटली फिक्स हो जाते हैं। She puts the two glasses in hot water, slight expansion occurs in the outer glass and the two glasses can be separated easily. वो रख दे दोनों ग्लासेस को हॉट वाटर में डाल देती है, फिर थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है आउटर ग्लास में जिसकी वजह से दो ग्लासेस को फिर वो आसानी से सेपरेट कर लेती हैं, ठीक है। तो देखिए इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव यानी फैलाव होना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। मैं वन वर्ड में बता रही हूँ कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वन वर्ड में क्या, अगर कोई बोलेगा तो एक्सपेंशन मतलब फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। ठीक, आपने देखा मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि जो सब्सटेंस होते हैं उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं जब उसे हम हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको हम हीट करते हैं और इनको अलग अलग शेप में और साइजेस में हम मोल्ड यानी ढाल सकते हैं, ठीक है। हीट करने पे जो मेटल्स होते हैं एक्सपेंड होते हैं और कूलिंग करने पे ठंडे करने पर वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस चले जाते हैं। ये चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया जाता है आपका वुडन हैंडल्स को किस में फिक्स करने पे, आयरन ब्लेड्स में फिक्स करने में। और क्यों फिक्स करते हैं, ताकि हम टूल्स बना सकें और टूल्स जो हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो आयरन ब्लेड होती है इन टूल्स की उसमें एक रिंग होती है, ठीक, जिसमें हैंडल वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है, ठीक है। और जो ये रिंग होती है वो छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी छोटी होती है, किससे, वुडन मतलब जो वुडन रिंग है उसके डायमीटर से, जो ये नॉर्मल रिंग है वुडन हैंडल जो है रिंग होती है, तो रिंग जो है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा छोटा होता है, किससे थोड़ा छोटा होता है, वुडन हैंडल के कंपैरिजन में, ठीक है। जब हम फिक्स करते हैं हैंडल को जो रिंग है हीट की जाती है, हीट करने पर रिंग का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मीन्स वहाँ पर एक्सपेंशन होता है और वुडन हैंडल जो है उसमें आसानी से
रिंग में फिक्स्ड किया जाता है। ऑन कूलिंग मतलब ठंडा करने पर जो रिंग है वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है, मीन्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिकुड़ जाती है और वुडन हैंडल जो है वो टाइटली फिक्स हो जाता है रिंग में। सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका वो यूटिलाइज किया जाता है जब हम फिक्स करते हैं एक मेटल रिम को एक वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट में। जो साइज होता है मेटल रिम का वो थोड़ा छोटा होता है वुडन व्हील से। जब हम फिक्स करते हैं मेटल रिम को वो हीट की जाती है, हीट करने पर जो मेटल रिम है वो थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती है, उसका साइज मतलब बढ़ जाता है। फिर वो फिक्स की जाती है वुडन व्हील में और ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है और वापस अपने और जो व्हील होता है उसमें आसानी से फिट हो जाती है। ठीक है, अपनी मदर से पूछिए कि वो कैसे सेपरेट करती हैं टू स्टील ग्लासेस को। टू स्टील जब वो टाइटली दूसरे के साथ फिट मतलब फिक्स हो जाते हैं वो उन दोनों ग्लास को गर्म पानी में रख देती हैं। उसके बाद जो बाहर वाला ग्लास होता है आउटर ग्लास होता है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से दोनों ग्लास को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए, डू यू नो टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेल्स इन हॉट वेदर स्मॉल गैप्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट बिटवीन द रेल एंड्स सच ट्रैक्स आर नोन एज जॉइंटेड ट्रैक्स। देखिए, जो हॉट वेदर होता है गर्म मौसम जब होता है हॉट वेदर होता है उस समय में एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, तो आपके जो रेल ट्रैक्स होते हैं उसमें एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए ठीक है थोड़े थोड़े गैप रखे जाते हैं रेल्स के एंड्स के बीच में। ठीक है, इस तरह के जो आपके ट्रैक्स होते हैं उसे हम जॉइंटेड ट्रैक्स बोलते हैं। ये देखिए, ये है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया है। ये गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से धूप की मतलब जो हॉट वेदर होता है उसकी गर्मी की वजह से इसमें एक्सपेंशन होगा, इसलिए ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ी जाती है कि अगर ये एक्सपेंड होते हैं तो ये जगह को वो ले सके। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए मेटल रिम है जो फिक्स्ड करनी है हमको ऑन कार्ट व्हील में। ठीक है, तो आपको आज मैंने जितना पढ़ा है उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में आपको कोई मुझसे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसे आप अच्छे से एक बार इसे पढ़िएगा जो मैंने पढ़ा है, बाद में कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।